बॉडी ऑफ मास 60 किलोग्राम, मास कितना है 60 किलोग्राम है, मोमेंटम कितना है पी इज इक्वल टू, मोमेंटम कितना है पी इज इक्वल टू 3000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के टर्म में फार्मूला यही होता है, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को यूज करोगे आप काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू 3000 का होल स्क्वायर और 2 और m की वैल्यू 60 है, तो 3000 का होल स्क्वायर करोगे तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो उसको, और 60 का को आप 120 लिख सकते हो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 3 9 हो जाएगा और 10^1 2 3 4 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 12 हो गया, 3 3 9 3 4 12 और 3 by 4 10^5 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो काइनेटिक एनर्जी तो आ जाएगा 0.7 और बच रहा है 2 यानी कि 5, ये 5 × 10^5 और ये 7.5 × 10^4 भी लिख सकते हो आप, या आप काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू 7.4 × 10^5 और 10^4 जूल, ये आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर आ गया, फर्स्ट का तो आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी जो आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है, दूसरा देखो आप क्या कर सकते हो, सेकंड में स्पीड ऑफ द बॉडी कैलकुलेट करना है तो P इज इक्वल टू एम भी लगा लो, P की वैल्यू 3000 है, M की वैल्यू 60 है और V कैलकुलेट करना है, तो V इज इक्वल टू 3000 by 6, V इज इक्वल टू इसको 6 × 5 30 500 आ जाएगा, 500 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो।